तो आज मैं एक स्पेशल व्लॉग लेकर आई हूँ अपने लिए। अपने लिए स्पेशल व्लॉग क्यों लेकर आई हूँ, इसलिए क्योंकि आज मेरी बर्थडे है और मैं अपने आप को खुद विश करने जा रही हूँ। तो मैं अभी मेरे विश किया है हिफ्ज़ा ने, ठीक है। उनको उसको पता है कि मुझे ना केक पसंद नहीं है, तो उसने मुझे पिज़्ज़ा ला के पिज़्ज़ा काटने के लिए दिया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सरप्राइज़ दिया उसने, मुझे पता ही नहीं था उसने सरप्राइज़ देना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हिफ्ज़ा। और ना अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने, इंजॉय करने खुद जा रही हूँ और अपने आप को खुद विश कर रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ खुद, मतलब मैं अकेली थोड़ी जा सकती हूँ, मेरे साथ भी तो होंगी ना मेरी सिस्टर्स। तो मैं अपने आप को खुद विश करने जा रही हूँ और खुद अपने आप को हैप्पी करने जा रही हूँ। तो आप लोग बस दुआओं में याद रखें और मेरी लंबी उम्र की दुआ करना सेहत वाली। और बस और कुछ भी नहीं, आगे मैं देखते हैं देखते जाएँ मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या खाने लगी हूँ और कैसे विश करने लगी हूँ खुद को। तो आपने कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहना है, ठीक है। वेट एंड वॉच। तो एवरीवन, हम आए हैं यहाँ पर लेयर्स बेकर्स और यहाँ पर हम लेने आए हैं वॉलनट पाए। और ये वॉलनट पाए भी मैं नहीं खाती, ये हिजरा खाती है मेरी सिस्टर। तो हम मैं उसके लिए आई हूँ स्पेशल के, ठीक है हम वो ले लेते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं हम चाय पियेंगे साथ में। और साथ में जो हिफ्ज़ा ने पिज़्ज़ा दिया था वो तो मैंने खा लिया, मेरा पेट फुल भर गया। तो मैं बेकरी आ गई हूँ पर यहाँ पे वॉलनट पाई नहीं था, तो मैंने कॉफ़ी कपकेक ले लिया और अब लेकर हम बाहर जाने लगे हैं। और कपकेक ही मैं कट करने वाली हूँ, मतलब कपकेक ही टेस्ट करने वाली हूँ और कपकेक से ही बर्थडे मनाऊँगी। और कैसे मनाऊँगी आपको दिखाती हूँ। लाउड 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 बोलो लाउड। अच्छा, म्यूजिक थोड़ा ऊंचा हो गया है तो मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी है, मैंने आज ही सिलाई है और आज ही पहन लिया, यानी कि बर्थडे के लिए स्पेशल सिलाई है, अपनी बर्थडे के लिए सिलाई है। तो मैं अपने लिए अपनी बर्थडे विश करने के लिए खुद के लिए एक कप केक लेकर आई हूँ जो बहुत यमी यमी सा है। कॉफ़ी कप केक, कॉफ़ी कप केक निकल आया। तो ये मेरी बर्थडे का कप केक है और मैंने थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाई, मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं है और ऐसे नहीं पसंद कि घर में सब इकट्ठे हों और बर्थडे विश कर रहे हो, तो बस सरप्राइज़ पसंद है कि वो नहीं पसंद, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर इतने ज़्यादा मुझे वो नहीं पसंद है कि घर में गैदरिंग हो, मुझे बाहर जाना ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं अपनी बर्थडे खुद ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। ये और मैं कितने की हो गई हूँ, मैं अभी 12 साल की हुई हूँ। 12 साल की हुई हूँ। तो और ये आपको आपी ने बर्थडे गिफ्ट दिया, इकरा आपी ने, ठीक है। और ये आपको डैडी ने दिया, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और डैडी ने कहा था इसको बाहर ले जाना घुमाने फिराने, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरी बड़ी सिस्टर है, लंदन में रहती है, उनका व्लॉग है इकरा यूके व्लॉग के नाम से उनका चैनल है, तो उधर भी जाके विजिट करें आप। तो मुझे उन्होंने बर्थडे पे ये दिए पैसे, तो उनके लिए मुझे बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि उन्होंने मुझे दिया। और स्पेशली पापा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे पैसे दिया और बाहर जाने के लिए पैसे उन्होंने ही दिए, तो मैं अपना खुद से खुद को बर्थडे विश कर रही हूँ। ये मेरा खुद बर्थडे विश, मैं अपने आप को खुद नहीं कर रही, मुझे सबने पैसे दिए हैं तो मैं अपने लिए खुद सारी चीज़ें कर, यानी कि सबने मिलके आपको ये सरप्राइज किया, पर कोई है नहीं पास पर मैं अब, क्योंकि कोई आ नहीं सकता आगे, तो इसलिए मैं अपने आप को खुद ही कर रही हूँ। तो मैं सबका थैंक यू कहती हूँ। मेरा नहीं करोगी आपी का,
इकरा बाजी का और पापा का और हिफ्जा का और आपका हिजरा का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ही हो ना मेरी फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी हो जाती है। चाहे कोई हो ना हो, पर आप दूर बैठे हुए भी मेरा बहुत ख्याल रखते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आगे हम चलते हैं, खाना खाते हैं, और खाना क्या खाएंगे हम आपको दिखाते हैं। एवरीवन, मैं आई हूँ नेंडोस खाने। तो इन्होंने तो कार में भी सर्व करना बंद कर दिया है और डाइनिंग भी पहले से ही बंद है, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, गाड़ी में ही बैठ के खा लूँगी पैकिंग के साथ। और ये रहा है नेंडोस। तो यहाँ आई मैं, तो यहाँ आकर मैंने देखा कि यहाँ पे अलफता ओपन है, तो मैंने कहा क्यों ना अलफता में भी चक्कर मार के आए। हम घूमने फिरने आए हैं भाई, बर्थडे इंजॉय करने आए हैं, तो अलफता भी हो ही आना चाहिए। तो मैंने कहा अलफता में ग्रोसरी वगैरह खुली होगी, तो देखते हैं हम जाकर कि क्या है। वालेकुम अस्सलाम। तो जाकर देखते हैं हम कि अलफता में क्या मिलेगा और हमने क्या लेना है। वेजिटेबल्स लेनी थी और भी बहुत थोड़ी चीज़ें, तो हम डिसाइड करते हैं अभी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। फ्रूट्स लेने आई हूँ, ये फ्रूट्स लगे हैं सारे के सारे फ्रेश फ्रेश। तो ये सारी चॉकलेट्स और यहाँ पे सारी स्नैक्स, जालीस और पोलो बबल गम्स। यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह लगे हैं, वो बड़े बिस्किट बहुत मज़े लग रहे हैं ना। बिस्किट तो बहुत मज़े हैं। तो हम डिसाइड कर, और यहाँ पे स्नैक्स, और यहाँ पे भी स्नैक्स, और यहाँ लगा है मिल्क वगैरह। तो हमारा खाना आ गया है, मैंने खाया नेंडोस, और ये नेंडोस खा रही हूँ मैं। इन्होंने कहा है कि गाड़ी में भी नहीं सर्व हो सकता, तो हम आपको पैक करके ही ला के देंगे, पर अगर आपको एक्स्ट्रा सॉस चाहिए तो हम आपको इसके अंदर ही डाल के दे देंगे, हम दे नहीं सकते। और ये वेजीज हैं, और वेजीज के साथ इन्होंने सॉस ये दी है, ये रहे आपके ग्रिल वेजिटेबल। और ये मेरी बहन का है, उस पर रखा हुआ है कि गिर ना जाए, और मेरे वीडियो के चक्कर में उस बेचारी का खाना भी ठंडा हो रहा है। और ये है ग्रिल वेजिटेबल्स, जो मेरी मोस्ट फेवरेट है। ये मैं आपको खा के दिखाती हूँ। इसके अंदर ना सारी वेजिटेबल्स होती हैं, बैंगन ही होता है। आगे करो ना अपनी तरफ ताकि नजर आए। बैंगन होते हैं, तोरी होती है, गाजर होती है, और क्या होता है, सारी वेजिटेबल्स होती हैं जितनी भी होती हैं। और मुझे सारी वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, तो मैं ये ग्रिल हुई भी वेजिटेबल सारी खा लेती हूँ। ये हम ब्रोकली होती है, हाँ ब्रोकली होती है, और वो क्या होता है जो आपको पसंद है, क्या जो गोबर में मशरूम मुझे नहीं पसंद गोबर में बने होते हैं, मुझे उसमें स्मेल आती है। मशरूम जो है ना गंदी जगह पे उगते हैं, तो इस वजह से ना वो खाती नहीं मेरी सिस्टर, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। मैं तो सारी वेजिटेबल्स खाती हूँ ग्रिल हुई भी। तो अभी खा के मैं घर पहुँच कर आपसे बात करती हूँ। खा के तो बताओ कैसा है, बताया तो खा के। तो मैं घर आ गई हूँ, और मैंने नेंडोस खाया है, आपको दिखाया था जैसा कि, और मैंने आपको कहना था कि मैं जे जो पैसे मिले मेरी बड़ी आपी ने, जो इकरापी है मेरी, जिनका आपको बताया है मैंने के चैनल का नाम इकरा यूके व्लॉग से है उनका चैनल, तो उनको मैंने ना कहते हैं उन्होंने जो मुझे बर्थडे पैसे दिए थे उनको मैंने बोला था कि बर्थडे करने से अच्छा है आप मुझे वो पैसे दे दो, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और उन पैसों का मैं ये लेकर आई, और जो डैडी ने भी पैसे दिए थे उन ये सारे पैसे मिलाकर मैं हैंड क्रीम, फेस स्क्रब, फेस वॉश और बॉडी वॉश, बॉडी स्क्रब लेके आई हूँ। तो मुझे ऐसी चीज़ें यूज़ करने का ना बहुत शौक है, ऐसे बॉडी पे स्क्रब करना और फेस मास्क यूज़ करना, फेस पे जो शीट लगाते हैं, फेस फेशियल क्या होता है वो, क्या शीट मास्क मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, तो वो शीट मास्क मुझे यूज़ करना बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, पर मैं ये हर्बल में यूज़ करती हूँ। मैं ये जो गार्नियर क्या है ये तो कंपनी ही बहुत अच्छी है, बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ना मैं हर्बल में यूज़ करती हूँ।
मैं घर आ गई तो मैंने लेंटिल्स भी खा लिया और बर्थडे भी विश कर ली। तो मैं एक बार फिर थैंक यू करती हूँ अपनी बड़ी सिस्टर का, इकरा बाजी का, और अपने पापा का कि उन्होंने मेरा दूर कर दिया आपका भी, और वो दूर बैठे रहा फिर भी उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतना ख्याल रखते हैं वो मेरा। और हिफ्जा का कि उसने मुझे ऐसे सरप्राइज दिया, मुझे तो शक भी नहीं होने दिया उसने कि इसने मेरी बर्थडे करनी है। तो मुझे पिज़्ज़ा बहुत मज़े का लगा था, तो मैं पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाती हूँ तो उसको पता था, इसलिए उसने मुझे पिज़्ज़े का ही कहा कि पिज़्ज़ा ही कट कर लो केक के बजाय। और स्पेशल थैंक यू हिज़रा का, मेरी सिस्टर है जो हिज़रा से बड़ी है वो, तो उनका थैंक यू क्योंकि वो मुझे लेकर गई बाहर, उन्होंने मेरा ब्लॉग बनाया, वो बिजी भी थी फिर भी वो उन्होंने मेरे साथ गई और मेरा ब्लॉग बनाया, तो उनके लिए बहुत शुक्रिया। और सबको मेरी तरफ से थैंक यू जिन जिन ने मुझे विश किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विश करने का। तो बस ऐसे ही मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और फुल वीडियो देखनी है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना है, और प्लीज़ मेरी वीडियो सब्सक्राइब करके देखा करें, ठीक है। और मेरी जो आज बर्थडे थी, लोगों की बर्थडे बहुत ज़्यादा वो होती है, तो मुझे मैंने कहा एक अलग से बर्थडे करते हैं जिसमें मैं हूँ और मैं अपने लिए खुद करूँ सब कुछ, अपने आप लोगों को बताऊँ कि बर्थडे पे जो आपको चीज़ें पैसे मिलते हैं तो वो कैसे आप यू पैसे अपने लगा सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि खा पी के आप सब कुछ कर लें, अपने लिए चीज़ें ला सकते हैं अच्छी अच्छी वाली जो आपकी स्किन, आपकी फेस, आपके हेयर के लिए अच्छी हो। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, कल मिलते हैं एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।